वेद ने बड़ी सुंदर सी बात कही है कि जरा खरबूजे को या पंपकिन को तोड़कर तो देखो एक बार, किससे, डाल पे से, बेल पे से, टूटेगा नहीं, बहुत से तंतुओं से जुड़ा हुआ है खरबूजा। वेद कहता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम 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 ऊर्वा रुकमेव बंधनान मृत्योर मुक्षीयमामृतात् मृत्योर मुक्षीयमामृतात्। उससे पहले का शब्द उर्वारुकमिव बंधनान, वो खरबूजा जो कच्चा है वो डाल पर विविध तंतुओं से जुड़ा है, कभी खरबूजे या पंपकिन के डंठल में आपने बहुत महीन तंतु देखे हैं, रेशे पतले 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 बहुत महीन, वो कोशिकाएं खरबूजे की, तरबूज की या पत्ते की महीन कोशिकाएं, कच्चे पत्ते को डाल से तोड़कर तो देखो भाई, कच्चा पत्ता डाल से तोड़ोगे तो डाल पर एक आंसू है, पत्ते पर एक आंसू है, गीलापन है, मतलब कच्चा तोड़ लिया आपने, पत्ते को तोड़कर देखो डाल से, कच्चा पत्ता, कच्चे पत्ते को डाल से तोड़ोगे तो वहां एक अश्रु, अश्रु माने गीलापन, टूट गए पत्ते पर भी एक गीलापन, लेकिन जब पक गया है पत्ता उर्वारुकमिव, जब पक गया है पत्ता बंधना मृत्युर मुक्षीय मामृता, जब तीसरी आंख खुलेगी, जब ज्ञान हाथ में आएगा, जब हाथ सच लग जाएगा, वास्तविकताएं आपके पल्ले पड़ जाएंगी, तब पता है क्या होगा, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर मुक्षीय मामृता। जैसे खरबूजा डाल से पककर विलग हो गया, अलग हो गया, ना डाल को पता है ना खरबूजे को पता है, ना डाल चिंता में ना खरबूजा कोई भय में है, ठीक वैसे ही ज्ञान से जब पक जाओगे, इनके ही बीच में रहकर इनसे अलग विलग हो जाओगे, इन्हीं के बीच में रहकर, डाल से अलग होकर खरबूजा को एकदम आकाश में नहीं चला जाता, भले उसे डलिया में रख दें, भगवान को भोग लगा दें, पक गया, वैसे ही एक स्थिति साधना में ये आती है कि सांसारिकता आप में से खो जाती है। एक सीधी सी बात मेरे समझ में आई, साधु माने कौन, देखो दो प्रकार के प्राणी, एक तो जो संसार में रहते हैं और उनके भीतर भी संसार रहता है, ये बड़ी समझने की बात है, ये बड़ा सुंदर मैं आपको गणित सिखा रहा हूं, मैथमेटिक्स है ये लाइफ का। देखिए एक प्रकार का वो प्राणी जो संसार में रह रहा है और उसके भीतर में भी संसार है, एक वो प्राणी जो संसार में तो रहता है पर उसके भीतर में संसार नहीं रहता,